इनफर्टिलिटी रो मेद बहुलता एक प्रमुख समस्या। ये मेद बहुलता पई विभिन्न प्रकार हेल्थ इश्यूज आसता है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आसी थाए, एवं आपण को डाइट को जदि आपण ठीक रखुनाहंती ताहाले कंसीव करिवारे मध्य बहुत प्रॉब्लम होइथाय। जेतेबेळे आपण कंसीव करिया पई प्लान करुछंती एवं मां हेबा पई चाहुछंती ताहाले डेफिनेटली आपण को डाइट को ठीक रखिबा दरकार। आसंतु भेटिबा डाइटिशियन गुरुप्रसाद दास को एवं जानिबा जेतेबेळे आपण कंसीव करिवा पई चाहुछंती पेरेंटहुड को जाउछंती ताहाले आपण को डाइट रहिबा कोन दरकार। फूड न्यूट्रिशन एक्सरसाइज आमर बहुत चेंजेस वर्तमान मॉडर्न लाइफस्टाइल रे हो जाएगी। यार इंपैक्ट आमर फर्टिलिटी से मेल हो फीमेल्स हों तो समस्त फर्टिलिटी ऊपर बहुत इंपैक्ट पकाउछि। लाइफस्टाइल चेंजेस द्वारा आमर बहुत सारा डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होउछि, जहाँ फल कि प्रेगनेंसी समय रे बहुत कॉम्प्लिकेशंस अराइज करछि। इवन प्रीकनसेप्शन जेतेबेले आपण प्लान करुछंति प्रेगनेंसी पई सेतेबेले मध्य न्यूट्रिशन रो बहुत इम्पोर्टेंस रहिछि। प्रथम जिनस होछि आपण आपणकर वेट बा ओजन हाइट बा उच्चता मुताबक मेंटेन करबा दरकार। मैक्सिमम चांसेस थाए जदि आपण ओबेस अछंति ओवरवेट अछंति तो आपणकर कॉन्सीव करिया पई बहुत समस्या उपजी पारे। तेणु करिकि निजर उच्चता तुलना रे निजर ओजन निर्धारण करंतु, निर्धारण करिकि से अनुसार निजर खाद्य उपरे गुरुत्व दियंतु। प्रकृत रे देखिबा को गले आमर फूड ग्रुप्स सब फूड ग्रुप्स को बैलेंस्ड वे रे खाइबा दरकार। आपण कॉन्सीव पई प्लान करंतु बा प्रेग्नेंट थांतु। फूड ग्रुप्स आमर मैक्सिमम 5-7 ग्रुप्स को आम डिवाइड करिछु। जदि आम 5 ग्रुप्स रे देखिबा प्रथमे होछि सीरियल्स शस्य जातीय जिनस सेगुड़िक आपड़ ध्यान देवे जमी बेस रिफाइंड फ्लोर बा जो थे फाइबर कंटेन्ट्स कम रोचे से सबक अवॉइड करवा दरकार। जो थे फाइबर बेसी रोचे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आपण स्टार्ची फूड हो रूट्स एंड ट्यूबर्स मटित जिनस हो गहम चोकड़ थोड़े मिलेट्स जमी मांडिया हो बाजरा ज होल व्हीट युड़ाक बेसी मैक्सीम कंज्यूम करवा उचित। सेकेंड ग्रुप्स पल्सेस डाली जिनस डाली मुख्यतः आमको प्रोटीन्स मिले बॉडी रो मसल्स सेल्स टिश्यूज सी आपणकर कॉन्सीव करिया स्पर्म हो बा ओवम हो सेथरे आपणकर से भी गोटे आपणकर सेल भलिया तो आपणको सेटा को प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करबा दरकार। सेथिपई प्रोटीन्स रो आवश्यकता रही प्रोटीन्स आपण जिते प्रकार डाली आम जिन सेकेंड ग्रुप रे कहबा पल्सेस डाली जातीय जिनस से मुग हो बुट हो हरड़ कोलथ ग्रीन मटर जहाँ भी रो से सब आप खाइबा उचित। थर्ड रे मिल्क प्रोडक्ट्स बा डेरी प्रोडक्ट्स से आपंकर लो फैट स्किम मिल्क नेबे कारण फैट आप वेट बढ़ेब से आप छेना बा दही प्रिपेयर करके खाई। तापर ग्रुप हूँ नॉनवेज ग्रुप जिते आपणकर लीन मीट्स नवाप चेस्टा करेंगे से चिकेन हो फिश रो स्किन रिमूव करके नेबे जिते फैटी फिश ओमेगा फैट्स रोचे आपण कंज्यूम करेंगे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मैक्सिमम टाइम आम बॉडी रे एंटीऑक्सीडेंट्स रो रिक्वायरमेंट्स बहुत अधिक थाए। जिते बड़े आपणकर एंटीऑक्सीडेंट्स अभाव हम आप डेफिसिट रोइबो से विटामिन ग्रुप्स रो मिनरल्स ग्रुप्स रो जनरली आपणकर सेल डैमेज हुए फ्री रेडिकल्स गुड़ा सेल डैमेज करती इवन आपणकर फर्टिलिटी को मध्य इंपैक्ट कर पारे। तेणुकरी आपणकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मध्य इनक्लूड करवा उचित। आउ नट्स एंड ऑयल सीड्स गुड नट्स नेबा दरकार बिकज मोस्ट ऑफ द टाइम आम फैटी एसिड्स गुड फैटी एसिड्स प्रमोट करूँ ओमेगा फैट्स तो से गुड़ाक आपको नट्स रे मिलिबो तो आपण नट्स ऑयल सीड्स मध्य निहाते डाइट रे इनक्लूड करवा कथा। ता छड़ा गोटे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होची जिंक सेटा मध्य मैक्सिमम टाइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए आपको फर्टिलिटी को इंपैक्ट करे। इवन प्रेगनेंसी प्रीकनसेप्शन रे मध्य बहुत दरकार पड़े। विटामिन ए मध्य बहुत दरकार पड़े। मैक्सिमम टाइम आम देखू मैटरनल न्यूट्रिशन टा बहुत इंपोर्टेंट थाए बिकज मैक्सिमम मदर्स मैंने अंडर न्यूट्रिशन था ओवर न्यूट्रिशन था एक्सेस कैलोरी कंज्यूम करू थे मे बी से कोल्ड ड्रिंक्स हो आइसक्रीम्स हो गुड बैड फैट्स हो ये सब कि अंडर न्यूट्रिशन या तो न्यूट्रिशन अभाव थाए डेफिशिएंसी थाए खाद्य दरकार मुताबक कम खाती मैक्सिमम आम इंडियन फीमेल्स मैंने सर्व करते समस्त की खावा दिखती निजपाई बहुत कम रखती तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत पुअर थाए तेणु या उपर गुरुत्व देवे। ता छड़ा प्रेगनेंसी समय रे बा प्रेगनेंसी पूर्व आपन को 4-5 न्यूट्रिएंट्स और इंपोर्टेंस अच्छे जमती कि फॉलिक एसिड कैल्शियम आयरन ये सब ग्रुप्स निहाती दरकार आयोडीन
ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଦେଖିବା, ଆୟୋଡ଼ାଇଜ୍ ସଲ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ ଫୁଡ଼୍, ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଶାଗରୁ ମିଳେ ତ ତାକୁ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଆନିମଲ୍ ଫୁଡ଼୍ସରୁ ମିଳେ, ଅର୍ଗାନ୍ ମିଟ୍ସରୁ, ସେ କଲିଜା ହେଉ, ଛେଳିର କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଅର୍ଗାନ୍ ମିଟ୍ସ ଆପଣ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫଲିକ୍ ଆସିଡ୍ସ, ଫଲିକ୍ ଆସିଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ, ଡାଲ୍, ପଲ୍ସେସ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଗ ଜାତୀୟ ଜିନିଷରେ ମିଳେ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବା ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦୂର ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତେଣୁକରି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଡାଲି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ କୋଳଥ ଡାଲି ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଟ ଡାଲି ଦେଖିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଡାଲିରୁ ଆପଣ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳିବ। ସୋୟାବିନ୍ସ ଆପଣ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳିବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଲେଟ୍ସ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ମିଳିବ, ଇଭିନ୍ ଛୋଟ ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ ହେଉ ବା ଆପଣ କିଛି ବି ଡେରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳେ। ତ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିକନ୍ସେଭ୍ କରି ପ୍ଲାନିଂ ବା ଆପଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଫ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ।